यूट्यूबवर BCN सिटी न्यूज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. भुसावळ येथे रेल्वे वॅगन मधून डिझेल चोरीची घटना उघड. घटनास्थळावर चोरलेले 5 कॅन डिझेल पंचनामा करून केले जप्त. भुसावळ हे रेल्वेचे मोठे जंक्शन आहे. या ठिकाणाहून शेकडो प्रवासी व मालवाहू रेल्वेगाड्या ये जा करत असतात. याच भुसावळ रेल्वे यार्डातून रेल्वेच्या वॅगन मधून डिझेल चोरीची घटना आज उघडकीस आली आहे. यापूर्वीही असेच डिझेल पेट्रोल चोरीची घटना समोर आली होती. धातूर मातूर कारवाई करत याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. रेल्वे यार्ड लागत असलेल्या कर्मचारी वसाहतीत काही नागरिकांना रेल्वेच्या वॅगन मधून डिझेलची चोरी होत असल्याचे लक्षात आले असता त्यांनी स्थानिक पत्रकारांना माहिती दिली. पत्रकारांनी रेल्वे पोलिसांनाही माहिती दिल्यानंतर घटनास्थळी रेल्वे पोलीस दाखल झाले. त्यावेळी रेल्वे पोलीस अधिकाऱ्यांना रेल्वेच्या वॅगन मधून डिझेल चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आले. घटनास्थळावरती रेल्वेच्या वॅगन मधून चोरलेल्या डिझेलच्या 5 कॅन अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून ताब्यात घेतले आहेत. रेल्वे वॅगनचे प्लास्टिकचे सील तोडून डिझेलची चोरी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा प्रकार केव्हापासून सुरू होता, यामध्ये किती रुपयांचे डिझेल पेट्रोल चोरी झाले आहे, रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये हात आहे का, याची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा बल विभागाचे सहाय्यक सुरक्षा आयुक्त PP कुशवा व यार्ड इन्चार्ज दयानंद यादव यांनी दिली आहे. क्या बोलेंगे सर आप, इधर जो डीजल और पेट्रोल की चोरी होती है, इस चोरी के संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और गुनाह दाखिल करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. नहीं सर, इसको हमेशा इधर ऐसा ये मामला इधर आता है. बीच में भी कई साल पहले इधर डीजल और पेट्रोल चोरी करके रखा था तो उस घर में आग लग गई थी. नहीं, जाँच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे. आपको मालूम है कि नहीं है, ये पहले बताइए मुझे ये घटना में. नहीं, मेरे संज्ञान में अभी आई है, संज्ञान में नहीं थी और संज्ञान में आई है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे. सर, एक तरफ रेलवे के नियम वगैरह तो कड़क है कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर भी किसी को जाने नहीं दिया जाता है, सब तरफ से दीवाले खड़े कर दिया गया है, पत्रकारों को भी आने नहीं दिया जाता, पर इतनी बड़ी आज इतनी बड़ी घटना रेलवे के नाक के नीचे हो रही है, पेट्रोल डीजल चोरी हो रहा है, इसमें RPF लोगों को मालूम नहीं है तो हो ही नहीं सकता है सर. नहीं, अगर हमारा भी कर्मचारी कोई दोषी होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे. तो आप मानते हैं इसमें आपके कर्मचारी वो अधिकारी वगैरह सब मिली गुली सरकार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सर, इतने प्रीमाइसेस में कंपाउंड वॉल 2 जगह टूटी है. हाँ सर, इस प्रीमाइसेस में 2 जगह कंपाउंड वॉल टूटी है और इसी चोरी के रास्ते से. नहीं, इसको रिपेयर कराने का हम प्रयास करेंगे और ये चोरियां नहीं होंगी, इसका भी पूरा आश्वासन देते हैं. अभी घटना स्थल पर आपको क्या मिला है? 5 केन है, इनको जब्त करके हम मुकदमा दाखिल कर रहे हैं और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई करें. 5 केन में क्या है उसमें? उसमें डीजल है सब समथिंग. अच्छा, डीजल है तो कितने रुपए का होगा? अब जब तक कार्रवाई चल रही है उसको असेस करेंगे, जो कीमत होगी उसकी कीमत लगाई जाएगी. यहाँ कर्मचारी वगैरह पेट्रोलिंग वगैरह होती है? यहाँ कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं ड्यूटी पे, लेकिन अब ये चूँकि सेंसिटिव बीट है, ड्यूटी बीट ज़्यादा एरिया है और ये खुला है यार्ड, चारों तरफ दोनों तरफ से खुला हुआ है लगभग, फिर भी हमारे जो आदमी है उन पे हम अगर उनके दोषी हैं. जागृत नागरिक, सुरक्षित शहर. आपले आसपास होणाऱ्या सर्व घडामोडी कैद करा आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये आणि पाठवा आम्हाला बुलेटिन मध्ये फ्लॅश करू. सोबत पाठवा आपले नाव आणि परिसराचे नाव. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9890952148, 9371119331 आणि 9421081786.